ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵੈਲਕਮ ਜਨਾਬ ਵਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਪੂਰ ਤਾਲੂ ਮੇ ਸਦਾ ਹਮ ਵੈਲਕਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤਸ਼ੀਲ ਆਏਗੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਮੋਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਵਾਜੀ ਅਲੀ ਕਮੋਸ ਸਾਹਿਬ और रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफकहू कौली। एमटीबी सादकाबाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बतौर टीचर आपके सामने हूँ। टीचिंग जो है ना ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग जो है ये मेरा पैशन है और इस जज्बे को मैं पिछले 22-23 साल से सर अंजाम दे रहा हूँ। मुझे पढ़ाने का, मुझे लिखने का बहुत शौक है और उस शौक की तकमील ही मुझे यहां भी लाई है। कुछ बातें मैं आज आपसे करूंगा। ये जो सेशन है ना, आप इसको सेमिनार मत समझिएगा। ये आज ऐसे ही है कि आज आपकी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, मैं वैसे ही आपसे गुफ्तगू करूंगा जैसे क्लास में टीचर आपसे मुखातब है। आज मैं भी अपनी लाहौर में क्लासेस नहीं पढ़ा रहा और आज मैं आपको अपने एक लेक्चर जो है ना वो दूंगा। आपने तवज्जो से सुना है, जब हम वहाँ पे बच्चों के सामने होते हैं ना, तो मैं वहाँ भी बिला खौफ व तरद्दुद किसी भी लगी लिपटी के बगैर मैं बच्चों से कहता हूँ कि जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत हमें देहात के बच्चे या छोटे शहरों के बच्चे देते हैं ना, उतनी रिस्पेक्ट हमें कहीं से नहीं मिलती। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता चलूं, एक टीचर की साइकी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। हमें टीचिंग के दौरान ना दो चीजें बच्चों से चाहिए, दो चीजें। अगर वो दो चीजें हमें मिल रही होती हैं तो हम अपनी ड्यूटी, अपना ये फर्ज एहसन तरीके से अंजाम देते हैं। पहली जो चीज हमें स्टूडेंट की तरफ से चाहिए ना, पहला जो चीज वो थी रिस्पेक्ट, एहतराम, इज्जत, ये स्टूडेंट से हम चाहते हैं। और दूसरी जो बात है ना वो है खामोशी, तवज्जा से बात को सुनना। अगर किसी स्टूडेंट में, किसी बच्चे में ये दो खूबियां हैं तो वो अपने उस्ताद से, अपने उस्ताद से इलम को हासिल कर सकता है। ये दोनों चीजें जो है ना, ये मैंने देहाती इलाकों के बच्चों में भरपूर देखी हैं और मेरे इस 22-23 साल टीचिंग कैरियर में बतौर टीचर भी, एंटी टेस्ट एक्सपर्ट भी, मैंने देखा है कि तरक्की की मनाजिल जो हैं वही लोग तय कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक इन दो कैटेगरी से है, यानी वो बड़ों को, असातिज़ा को इज्जत देते हैं और दूसरी बात उनकी बात को तवज्जो से सुनते हैं। आज आपने जितनी भी मैंने गुफ्तगू करनी है ना, आपने इस सारी गुफ्तगू को तवज्जो से सुनना है और एट द एंड मैंने आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछने हैं और जो मुझे उन क्वेश्चन के आंसर देगा ना, तो मेरी जेब में पैसे हैं, मैं उनको मौका पे ही प्राइज भी दूंगा। अच्छा, इससे ना, इससे आपके लर्निंग एटीट्यूड का भी पता चलेगा। और बैठे बैठे एक और मेरी बात जेन में रखना, जहां से मेरी आज की गुफ्तगू का आगाज हो रहा है, मेरी बात को जेन में रखना। हमारे पास ना क्लासेस में 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट आते हैं। एक जो बिल्कुल बॉटम सेक्शंस के होते हैं, हम उन स्टूडेंट को सिर्फ याद करवाते हैं। एक वो जो एवरेज सेक्शंस के आते हैं, हम उन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, याद करवाते हैं, और दूसरी जो कैटेगरी आ गई उनको हम पढ़ाते हैं। और जो टॉप सेक्शन के स्टूडेंट होते हैं और वो लोग जो एंटी टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए आते हैं, ना हम उनको याद करवाते हैं, ना हम उनको पढ़ाते हैं, हम उनको सिखाते हैं। तो आज का सेक्शन में ये जो सेशन है, मैं आपको याद नहीं कुछ कराऊंगा, मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एंटी टेस्ट से रेलेवेंट चीजें सिखाऊंगा और मैं देखूंगा एट द एंड आप कितना सीखे हैं। तो आज का हम सेशन का आगाज करते हैं। पहले तो मैं आगाज करूंगा स्कोरिंग था। स्कोरिंग जो है ये हमने चंद साल पहले, 6-7 साल पहले लाहौर में, मैं और मेरी टीम ना एक लंबे अरसे से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे थे, बड़े बड़े नाम जो आप लोग सुनते हैं उनकी बुनियाद ही हमने डाली थी। मैं 2002 में एक बहुत बड़े इदारे में पढ़ाता रहा, 10 साल वहाँ पढ़ाता रहा, फिर
फिर एक और जगह। तो फिर 6-7 साल पहले ना हम दोस्तों ने फैसला किया कि बजाय इसके कि हम दूसरों के लिए काम करें, हम अपना एक इदारा एस्टेब्लिश करते हैं और हम अपनी मर्जी से जिस तरह हम पढ़ाना चाहते। तो हमने फिर स्कोर इनके नाम से लाहौर से आगाज किया। हमारे इस वक्त कोई 7 के करीब डिफरेंट फ्रेंचाइजेज हैं जिसमें 1 साल का बाद में है। इस डिस्कशन में मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि स्कोर इनसे एंटी टेस्ट करना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको आगे चल के बताता जाऊंगा। आज के एंटी टेस्ट में जो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेमिनार है, इसमें पहली बात कैरियर आफ्टर इंटरमीडिएट, FSC के बाद आप प्री इंजीनियरिंग और ICS के स्टूडेंट यहां मौजूद हैं, आप किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं। उसके बाद व्हाट एंट्री टेस्ट, क्या है एंट्री टेस्ट, इसके बारे में आज गुफ्तगू होगी। हाउ टू स्टडी, ये मेन इसका सेगमेंट रहेगा। और वाई फ्रॉम स्कोरिंग, आप स्कोर इन से ही एंट्री टेस्ट क्यों करना चाहते हैं, मैं इसकी जरूरत बताऊंगा ऐसा क्यों है। स्टूडेंट मेरे पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, HEC रिकॉग्नाइजेस 73 पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड 80 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये हायर एजुकेशन कमीशन उसके और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उन्होंने इन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर में 73 और 80 प्राइवेट सेक्टर। मैं थोड़ी सी आपको यहां पे वजाहत बताता चलूं। अब ये जो मैं बीच में बातें बोलूंगा ना, ये वो बातें हैं जो मैंने आपसे एंड पे क्वेश्चन पूछने, ये ध्यान में रखना है। पाकिस्तान में ना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस 3 तरह के हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट लेवल के, जिसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। नंबर 2 सेमी गवर्नमेंट, जिसमें पार्शली गवर्नमेंट पार्शली प्राइवेट सेक्टर है। और नंबर 3 पे प्राइवेट सेक्टर्स। तो 3 तरह के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इन तीनों कैटेगरीज में डिफरेंस क्या है, 2 चीजों का डिफरेंस है, एक फी डिफरेंस है, एक वर्थ डिग्री वर्थ डिफरेंस है। फी डिफरेंस ऑब्वियसली आप जानते हैं, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी वहां पे फी कंपैरेटिवली कम है। अगर आपके UET में किसी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको 30-35,000 पर सेमेस्टर फी पे करनी पड़ती है। अगर आपका NUST में हो जाता है, NUST एक सेमी गवर्नमेंट है, आर्मी के कंट्रोल में सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वहां पे पर सेमेस्टर आपकी फीस 1,00,000 के करीब हो जाती है। अगर आप GK चले जाएं, गुलाम इसाक इंस्टीट्यूशन, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां आपकी फी जो है पर सेमेस्टर 3-4 लाख रुपया होती है। इसका मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर फी कम, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट फी ज्यादा, और प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली फी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब नंबर 2 पे डिग्री की वर्थ का क्या डिफरेंस है, शायद आपके जहन में आता होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर की डिग्री जो है वो ज्यादा अफेक्टिव है। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास ना दुनिया में जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है उनमें पाकिस्तान की जो फर्स्ट 500 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें GK टॉप पे है, दैट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपके पास NUST है, ये सेमी गवर्नमेंट है, और इस तरह प्यास है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये जो बाकी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर की, ये उस रैंकिंग में बहुत नीचे हैं। यानी आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, अमेरिका बैठे हो, UK बैठे हो, दुबई बैठे हो, अगर आप वहां पे किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें आप फॉर हायर स्टडी, और उन्हें कहें ना कि हम GK के ग्रेजुएट हैं, तो आपको मोस्ट वेलकम कहेंगे। और अगर आप उन्हें कोई इसी और यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको डिग्रेड नहीं करना चाहता, तो वो शायद आपको मुंह ही ना लगाएं। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 चीजें मैंने आपको यूनिवर्सिटीज में बताई, बाकी आपके पास डाटा है। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब में UET सबसे बड़ा नाम है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जहां पे ICS या प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकता है। उसके बाद NUST है, NUST के बाद लम्स है, लम्स के बाद आपके पास GK है जिसका प्यास है, और कॉमसेट है, ITU है, ये लाहौर में अल्फा क्रीम टावर में है, फास्ट है, बहुत बड़ा नाम कंप्यूटर फील्ड में, बहुत अथेंटिक, सबसे ज्यादा मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री जो है वो फास्ट की कंसीडर होती है। एयर यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, IST गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और कैरियर आफ्टर इंजीनियरिंग, ये मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज की बात की है, 83 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब में, तो उसमें से मैंने कुछ का जिक्र किया जो मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज है। स्टूडेंट कैरियर फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आप FSC के बाद BSc इंजीनियरिंग
जो यूईटी है वो तकरीबन 24 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है उसके, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, मैकेट्रॉनिक्स है एंड मैनी मोर, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस। अब मेरी बात को जेहन में रखना जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं। जो न्यू रिसर्च आ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो न्यू डाटा हमारे पास आ रहा है, उसके मुताबिक आने वाले 15 सालों में 5 ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा होंगी। 5 फील्ड्स ऐसी हैं, उसमें सबसे टॉप पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरे नंबर पे डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी है, तीसरे नंबर पे ई कॉमर्स है, चौथे नंबर पे इंजीनियरिंग है जिसमें तमाम इंजीनियरिंग की ब्रांचेस शामिल हैं, एंड द फिफ्थ वन इज द मेडिकल, मेडिकल फील्ड। मेडिकल में एमबीबीएस भी है, बीडीएस भी है, मेडिकल में फिजिशियंस भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मेडिकल में पैरामेडिकल स्टाफ भी है जिसमें नर्सिस वगैरह भी है। ये 5 डिफरेंट फील्ड्स हैं जो आने वाले 15 सालों में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करेंगे। इन 5 फील्ड में से पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ पाकिस्तान में आपको नहीं रखना चाहता, मैं आपको पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, और ये ग्लोबल रिसर्च हमें बता रही है कि आने वाले 15 सालों में इन 5 कैटेगरीज में सबसे ज्यादा जॉब्स ऑफर होंगी। उसमें कंप्यूटर जो है ये टॉप पे जा रहा है, ये ज़हन में रखना है। उसके बाद BBA, BBA IT है, उसके बाद BS बैंकिंग कॉमर्स, मैं ई कॉमर्स बीच में बोल दिया कि ई कॉमर्स भी तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाली है। BBA है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, फोर्स आर्मी है, ये आपकी चॉइस हो सकती है। BS ऑनर्स है, अर्थ इन्वायरमेंटल साइंसेज है, अप्लाइड साइंसेज हैं, कंप्यूटेशनल फिजिक्स है एंड मैनी मोर। ये तो मैंने चंद एक लिखी हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूं इंजीनियर क्या है और इंजीनियरिंग क्या है, इस चीज को जरा देखिएगा। जो मेजर एंट्रेंस टेस्ट आप जिन पे जाएंगे वो है ईकैट यूईटी का, सबसे बड़ा एंट्री टेस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद एक और एनईटी के नाम से नर्स्ट कंडक्ट करती है, ये भी अब ईकैट को भी यूईटी को भी ये आगे जो एक्सेल कर रहा है। फास्ट है, एनटीएस है, 12 महीने हर महीने एनटीएस का टेस्ट होता है, आपको एक महीने एनटीएस टेस्ट लेना पड़ेगा। जीकी है और उसके बाद प्यास है एंड मैनी अदर यूनिवर्सिटीज। मैंने जो आपके सामने लिखी है ना, मैं आज इनको ही फोकस करूंगा, इन 6 यूनिवर्सिटीज, पंजाब यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल कर लें, मैं इनको फोकस करूंगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ई कैट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके इंजीनियरिंग के 82 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जिसमें ई कैट टेस्ट की बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। 82 इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, इसका मतलब है कि आपने हर सूरत लाजमी तौर पे यूईटी का ई कैट टेस्ट जो है ना वो देना है। ये वो कुछ मैंने कॉलेजेस वगैरह, ये आपको नाम नजर नहीं आएंगे, ये उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है जहां पे ई कैट टेस्ट की बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ई कैट टेस्ट, इसमें 4 कंबिनेशन हैं, 4। यहां पे प्री मेडिकल के, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी बैठे हैं, आईसीएस के भी बैठे हैं। आईसीएस आगे फिर 2 कैटेगरी इसमें चली जाती है, आईसीएस कंप्यूटर साइंस है, आईसीएस स्टैट है, आईसीएस स्टैट। अगर आप इसको देखेंगे कंबिनेशन 1 में यू हैव द प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री इंग्लिश, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तीनों में 30 एमसीक्यूज ईच और इंग्लिश जो है इसमें 10। अगर आप कंबिनेशन 2 देखेंगे जिसे हम आईसीएस का कंबिनेशन कहते हैं, यहां सिर्फ ऊपर वाले में चेंज ये आ गई कि केमिस्ट्री की जगह पे आपके पास कंप्यूटर साइंस आ गई। इसके बाद हमारे पास कंबिनेशन 3 जो है वो आईसीएस स्टैट के स्टूडेंट्स हैं, वहां पे केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस की जगह पे स्टैट का आ गया सब्जेक्ट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, यहां प्री मेडिकल के स्टूडेंट बैठे तो नहीं है लेकिन आपके दोस्त हैं वो, तो आप उनको बता सकते हैं कि ई कैट में एक कंबिनेशन प्री मेडिकल का भी है जहां पे फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश, इसमें 30 मार्क्स ईच फॉर केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स, और 10 नंबर जो हैं वो 10 एमसीक्यू जो हैं वो इंग्लिश के हैं। तो इसका मतलब है कि वो बच्चे जो प्री मेडिकल के हैं वो भी ई कैट का टेस्ट दे सकते हैं। कई ऐसी मेजर फील्ड हैं जहां पे उनका एडमिशन हो सकता है, बल्कि जो लास्ट ईयर है उसमें जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं ना उनका एवरेज स्कोर सबसे ज्यादा रहा।
ये मेरे पास ई कैट के कम्बिनेशन थे, ये मैं प्री मेडिकल कम्बिनेशन की बात कर रहा हूं कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट जब ई कैट का टेस्ट देता है, हालांकि आप कहेंगे उसका क्या तल्लक हो इंजीनियरिंग से, नहीं वो दे सकते हैं टेस्ट, तो ये वो फील्ड हैं जो ई कैट प्री मेडिकल का बच्चा ई कैट का टेस्ट देने के बाद अडॉप्ट कर सकता है। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री फिजिक्स है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, आने वाला जो वक्त है वो एनवायरमेंटल साइंस, बहुत ज़्यादा जॉब्स जो है ना ये जो अरब ममालिक हैं गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर एनवायरमेंटल साइंसेज की आ रही हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी आने वाले वक्त में इंसान की एक ज़रूरत रहेगा, BBA BBIT इंजीनियरिंग सिस्टम मैनेजमेंट ये वो डिपार्टमेंट हैं जहां पे प्री मेडिकल का स्टूडेंट ई कैट के बाद एडमिशन ले सकता है। स्टूडेंट इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ई कैट पेपर, पेपर किस किस्म का है जिसका आपका सामना करना पड़ेगा। पेपर के साथ ही साथ आप वेटेज देखिएगा। अच्छा ई कैट UET की हिस्ट्री में जो लास्ट ईयर है, बल्कि ये करंट ईयर जा रहा है 2023, पहले जो आपका टेस्ट होता था ना ई कैट का वो सेकंड ईयर एग्जाम के बाद होता था जुलाई में, लेकिन इस साल उन्होंने ये जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है ये सेकंड ईयर एग्जाम से पहले मार्च में हो गया था, यानी अभी आपने सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं दिए उससे पहले ही मार्च में ई कैट का टेस्ट हो गया था, और आपका वो जो एग्रीगेट बना परसेंटेज एग्रीगेट जिसकी बेस पर एडमिशन मिलना था उसमें सेकेंड ईयर के मार्क्स शामिल नहीं थे, वो फर्स्ट ईयर मार्क्स बेस पे हुआ था, और फर्स्ट ईयर का वेटेज 50%, ई कैट का 33 और मैट्रिक 17, इन तीन चीजों को मिला के परसेंटेज एग्रीगेट बना था और उसकी बेस पे आपको यूईटी में एडमिशन, यूईटी या उससे अफिलिएटेड जो है तमाम इंस्टीट्यूशन वहां पे एडमिशन मिला था। इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आज का सेशन है वो इस चीज की तरह गमाजी करता है कि इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी आपका ई कैट का जो टेस्ट है वो सेकंड ईयर एग्जाम से पहले मार्च में ही होगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम इसलिए आज आपको यहां पे ये सेमिनार ये लेक्चर कंडक्ट करवा रहे हैं कि आप अपनी प्रेपरेशन को आज के दिन से ही शुरू करें। आप में जो फर्स्ट ईयर के सेक्शंस बैठे हैं बेटा जी, आप जेहन में बिठा लो कि आपके जो ई कैट उसके जो मेरिट एग्रीगेट है उसमें फर्स्ट ईयर बेस पे एडमिशन हुआ है, इसलिए आपका फर्स्ट ईयर का जो स्कोर है वो बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ ई कैट पेपर, टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, वो पीछे हमने देखे हैं, 30-30 जो हैं वो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ के हैं, 10 जो है ना वो आपके पास इंग्लिश के आ गए। टोटल टेस्ट टाइम 100 मिनट्स और टाइम पर क्वेश्चन यू हैव द ओनली 1 मिनट। इसके बाद हम बढ़ते हैं मार्क स्ट्रक्चर फॉर ई कैट, ईच करेक्ट आंसर कैरीज 4 मार्क। अगर अल्लाह करे स्कोर इन MTB यहां का बच्चा 100 के 100 जो MCQs हैं सबको करेक्ट आंसर देता है तो 100 × 4 यू विल गेट 400 मार्क्स। लेकिन ना अभी ई कैट की तारीख में किसी के भी 400 या 390 तक भी नहीं आए, लेकिन जो टॉप पोजिशन है वो हमेशा वेकेंट होती है, आप पहुंच सकते हैं, आप जा सकते हैं डिटर्मिनेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। स्टूडेंट इसमें जो आपके पास नेगेटिव मार्किंग है वो लिखा हुआ है -5। एक्चुअली ना अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया तो आपका एक नंबर कटेगा, -1 होगा, तो फिर मैंने -5 क्यों लिखा है, एक्चुअली -1 तो आपको प्लंटी पड़ गई, दूसरा अगर आपका वो करेक्ट होता तो आपको 4 मार्क्स मिलने थे तो आपके 4 नंबर भी जाया गए, तो अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो आपको 5 मार्क्स का लॉस हुआ, इसलिए मैंने -5 किया है। इसका मतलब यह हुआ कि ई कैट टेस्ट में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर नहीं देते तो आपको 0 मार्क्स अवार्ड होंगे, आंसर करेक्ट देते हैं तो 4 मार्क, और अगर आप गलत देते हैं तो फिर आपके -1, एक नंबर कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद ना दूसरा बड़ा टेस्ट जो कंडक्ट होता है वो NEST NET के नाम से, NEST जो है ना वो, ये मैंने टेस्ट टेंटेटिव डेट्स आपको बता दी, टेंटेटिव नहीं एक्यूरेट डेट्स हैं। NEST जो है ना वो साल में 4 दफा टेस्ट लेता है, NET 1 NET 2 NET 3 NET 4। इसमें जो 2 टेस्ट हैं वो फिजिकली होते हैं, पेपर बेस्ड होते हैं, और जो 2 टेस्ट हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। अब इसकी एक आपके पास दिसंबर में आएगा 2023 में, NET 1
उसके बाद फेब में है 2024 में वो NET2 होगा, ये फिर मार्च में है, मार्च अप्रैल, मतलब तीन ऐसे NET टेस्ट हैं, NEST के टेस्ट हैं जो आपके सेकेंड ईयर एग्जाम से पहले आ रहे हैं। अब ध्यान में रखना है, आपका जो ECAT का टेस्ट है वो भी सेकेंड ईयर एग्जाम से पहले है, आपका NET के तीन टेस्ट जो है वो भी सेकेंड ईयर एग्जाम से पहले हैं। हाँ, एक है जो आफ्टर एग्जाम आ रहा है वो जून जुलाई में होगा। तो NET के 4 टेस्ट हैं और चारों टेस्ट में जहां आपका स्कोर बेहतरीन होगा वही कंसीडर होगा। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता चलूं, अब ये वो मैं बीच में कहता हूं ना, मैंने आपको अहम बातें बतानी है, अब मेरा नुक्ता जरा सुनना। स्टूडेंट, आपके ना जो एंटी टेस्ट है वो दो तरह का होगा, एक होता है बुक बेस्ड, एक होता है टॉपिक बेस्ड। जो UET ECAT का टेस्ट लेती है दैट इज बुक बेस्ड, आपकी चार बुक्स हैं, तीन पर्टिकुलरली केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। आपका जो पेपर बनेगा वो बुक के अंदर से, बुक की लाइंस, बुक के कॉन्सेप्ट, बुक का डाटा, बुक की डायग्रामेटिक नॉलेज, वो सारी उसमें मिक्स की जाएंगी। बुक से हट के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ, दिस इज कॉल्ड द बुक बेस्ड। तो ECAT UET दैट इज बुक बेस्ड टेस्ट। द सेकंड वन इज द टॉपिक बेस्ड। आपका जो ये NEST का टेस्ट है, NET है, आपका GK है, प्यास है, फास्ट है, ऑल दोस टेस्ट आर टॉपिक बेस्ड टेस्ट। वो टॉपिक देंगे कि केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के, इंग्लिश के वगैरह वगैरह, ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप फिर उनके लिए फेडरल की बुक्स और साथ ही साथ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इनकी बुक्स, इनसे अपनी प्रेपरेशन करते हैं। लेकिन उनमें जो वाइटल रोल है, जो मेजर रोल है, वो आपके एंटी टेस्ट एक्सपर्ट टीचर का है कि वो आपको चीजें कैसे, ये हम बातें बाद में करते हैं। तो ये ज़हन में रखना, आप दो किस्म के टेस्ट जो है ना उनका सामना करेंगे, बुक बेस्ड टेस्ट, टॉपिक बेस्ड टेस्ट। बुक बेस्ड सिर्फ और सिर्फ ECAT बाय UET और टॉपिक बेस्ड ऑल अदर टेस्ट। तो आपने ये ज़हन में रखना कि NET के चार टेस्ट हो गए। NET में एलिजिबिलिटी क्या है, यू मस्ट हैव द FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS और इक्विवेलेंट मीन यू हैव द OA लेवल। और सिमिलरली FSC और मैट्रिक में आपका मिनिमम स्कोर 60% होना चाहिए, ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहले तो इनकी एज लिमिट भी थी 17 to 25 ईयर्स, अब एज लिमिट उन्होंने वहां से उठा दी है। इसके बाद हम आते हैं NET में क्या क्या है। NEST इंजीनियरिंग है, NEST इंजीनियरिंग में जो परसेंटेज वेटेज है, मैट्रिक ओ लेवल 10%, इंटर पार्ट 1 और ए लेवल, यहां भी पार्ट 1 के आपके मार्क्स इंक्लूड कर रहे हैं, That is 15%, और जो NET टेस्ट है वो 75%। दूसरी जो मेरी बात आपने ज़हन में रखनी है, पहले मैंने आपको कहा दो तरह के टेस्ट, बुक बेस्ड, टॉपिक बेस्ड। दूसरी जो बात ज़हन में रखनी है कि कुछ ऐसे टेस्ट आप देंगे जिसमें एंटी टेस्ट का वेटेज कम होगा और कुछ आप ऐसे टेस्ट देंगे जिसमें एंटी टेस्ट का वेटेज ज्यादा होगा। जैसे अगर आप इसको देखोगे ना तो NET में एंटी टेस्ट का वेटेज 75% है। अगर आप इसी तरह आगे प्यास में चले जाएंगे वहां पे एंटी टेस्ट का वेटेज 65% है। आप GK में चले जाएंगे वहां पे एंटी टेस्ट का वेटेज 85% है। यानी ये जो मैंने NEST बोला, GK बोला, प्यास बोला, फास्ट बोला, इन सब में जो टेस्ट है आपका एंटी टेस्ट मेजर, उसकी बेस पे आपका एडमिशन होगा। लेकिन जब आप UET की बात करते हैं, ECAT की बात करते हैं, वहां पर एंटी टेस्ट का वेटेज जो है वो कम है। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं, NET इंजीनियरिंग पेपर फॉर्मेट क्या है ये जरा देखेंगे। मैथ 40%, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 15%, इंग्लिश 10% और IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन दैट इज 5%। ये आपको ना वक्तन फक्तन हम बताया करेंगे रास्ते में। साथ ही साथ हम बढ़ते हैं NET कंप्यूटर साइंस, ये बहुत बड़ी इंटरेस्ट है स्टूडेंट आपकी। मैथ 40%, फिजिक्स जहां पर केमिस्ट्री था वहां पर कंप्यूटर साइंस आया, बाकी वही परसेंटेज वेटेज है जो आपने NET इंजीनियरिंग में देखा था। तो कंप्यूटर साइंस में केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर साइंस का टॉपिक आ गया। स्टूडेंट इसके बाद हम NET अप्लाइड बायोसाइंसेस, ये जो है स्लाइड, इसका तल्लक जो है प्री मेडिकल के बच्चों से है। आप इसको देख सकते हैं और अपने दोस्तों को गाइड कर सकते हैं कि वो भी NET का टेस्ट दे सकते हैं। बायोलॉजी 40%, केमिस्ट्री 30%, फिजिक्स 15%, इंग्लिश 10%, वही है बायोलॉजी, वो मैथ की जगह पे आ गई। स्टूडेंट इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ NET पेपर कैसा होगा। टोटल क्वेश्चन इसमें 200 है, टोटल टेस्ट टाइम 180 मिनट है, तो एक क्वेश्चन के हिस्से में यानी टाइम पर क्वेश्चन दैट इज 54 सेकंड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। टाइम मैनेजमेंट इज द की फैक्टर बाय सॉल्विंग द एंटी टेस्ट पेपर। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्फिडेंस टेस्ट, उसको बियर करना, टाइम को मैनेज करना, ये भी मैं कुछ बातें करूंगा आपसे। तो आपको ना एनईटी पेपर उसका पैटर्न जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है, वो आपके ज़हन में 200 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स हैं, और पर क्वेश्चन यू हैव 44 सेकंड्स। स्टूडेंट द थर्ड वन इज आफ्टर ई कैड यूईटी आफ्टर एनईटी नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फास्ट। फास्ट मैंने पहले भी कहा था, जिक्र किया था कि फास्ट की जो डिग्री है, फास्ट में जो भी स्टूडेंट हमारे वहां से पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, वो फास्ट की बहुत तारीफ करते। वो कहते कि जितनी वहां पे स्टडी है, जितनी वहां पे वर्किंग करवाई जाती है, जितना वहां पे प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी होती है, जितना लर्निंग एटमॉस्फेयर है, वो किसी और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में नहीं है। यही वजह है कि फास्ट के जो ग्रेजुएट हैं वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, और बहुत ज्यादा डिमांड है इनकी। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिले फास्ट की तो आप जरूर उसको अवेल करें, इसके टेस्ट जरूर आप देंगे। स्टूडेंट इसमें फास्ट में आपके पास टेंटेटिव डेट्स की क्या हैं, 10 जुलाई टू 22 जुलाई, इसका एक दिन पेपर नहीं होता, ये कई दिनों तक पेपर होता रहता है, आपको एक डेट दी जाती है। फास्ट में जो हमारे पास एडमिशन टेस्ट है, फास्ट पे क्या क्या चीज़ें वहाँ हैं, एक तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, टेलीकॉम इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, लेकिन मैं फास्ट को रिकमेंड करूंगा कंप्यूटर साइंसेज के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, डाटा साइंसेज के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, ये तमाम फील्ड आप फास्ट से ज़रूर करें। फास्ट एडमिशन टेस्ट एलिजिबिलिटी क्या है, नो एज लिमिट, बाबे भी वहाँ जा सकते हैं दें टेस्ट। 60% मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन और एन इक्वलेंट एग्जाम, 60% मार्क्स मैट्रिक में, और इस तरह 60% जो है वो FSC, इतने तो आपके होंगे ना, इतने तो आप। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, दो तरह का टेस्ट लेता है, एक फास्ट अपना टेस्ट लेता है और दूसरा NTS की बेस पे भी फास्ट में एडमिशन होना है। मैंने पहले कहा कि NTS जो है ये हर महीने NTS का टेस्ट होता है, देयर आर 12 मंथ्स एंड यू हैव 12 NTS टेस्ट हर महीने, आपने फुर्सत निकाल कर किसी एक महीने NTS का टेस्ट देना है, वो आपका स्कोर जो है वो पूरा साल जो है वो एक्सेप्ट होगा। फास्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, BSc इंजीनियरिंग के लिए वेटेज देख लें, मैट्रिक ओ लेवल 17%, FSC आपके पास 50% और एंटी टेस्ट 33%। फास्ट सिलेक्शन एरिया ये कंप्यूटर साइंस के लिए ये हमें चाहिए, मैट्रिक ओ लेवल 10%, FSC आपकी 40% और एंटी टेस्ट 50%। तो इसका मतलब है अगर आप यहां पे देखेंगे ना, मैट्रिक और FSC 12 साल की मेहनत दैट वेटेज 50%, और 2-3 महीनों की मेहनत जो आप स्कोर इन में कर रहे हैं, जो आप एंटी टेस्ट पढ़ रहे हैं, उसका वेटेज 50%। इसका मतलब है 12 साल की मेहनत एक तरफ और 3 महीनों की मेहनत एक तरफ, दोनों का वेटेज बराबर। एंटी टेस्ट की इंपॉर्टेंस यहां वाजे है। BSc कंप्यूटर साइंस में पेपर फॉर्मेट क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इंग्लिश 10%, IQ 20%, बेसिक मैथ 20% एंड एडवांस मैथ दैट इज 50%। There is no chemistry, there is no physics. ये मैं BS इंजीनियरिंग और BS कंप्यूटर साइंस, ये फास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट GK पे आ जाएं, पाकिस्तान की इंजीनियरिंग सेक्टर में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी, लेकिन पाकिस्तान की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी, एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, बहुत महंगी। आज से एक दो साल पहले इनकी ना पर सेमेस्टर फीस जो थी वो 4-5 लाख थी, अब तो उससे भी ज़्यादा चली गई। GK खाब या, लेकिन एक मैं आपको बात बता दें, अगर आप वहां पे ना GK में अगर आप स्कॉलरशिप पे चले गए ना, फिर मौजे हैं, फिर तो आपको वो 4 साल का ग्रेजुएशन पीरियड वो गुजारना है जब आपकी डिग्री फाइनलाइज होती है। वहां पे आप देखेंगे आपको अनोखी दुनिया मिलेगी। मैंने वहां पे विजिट किया था, GK सवाबी में है, वो जो तरबेला डैम है उसके बिल्कुल दूसरी तरफ, तो वहां पर ये यूनिवर्सिटी है, बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट उसका है, और उसके अंदर टीचर नहीं पढ़ाते, प्रोफेसर नहीं पढ़ाते, साइंटिस्ट पढ़ाते हैं। वहां के अगर आप इक्विपमेंट देख लें, लैब्स देख लें, उनकी अप्रोच देख लें, स्किल्स देख लें, तो आप कहें कि मैं पाकिस्तान नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं। तो जहां उसकी फीस ज्यादा है, वहां पे उसका लेवल भी बहुत बड़ा है। तो अगर GK में कहीं एडमिशन मिल जाए तो समझ लें कि आप कामयाब हो गए। GK एडमिशन टेस्ट
जीके में कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल इंजीनियरिंग, और भी कई उन्होंने इंट्रोड्यूस, मैं तो मेजर मेजर पे। जीके एडमिशन टेस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी 60% मार्क्स इन एफएससी, और उसके बाद आपके पास बीएससी या और भी कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं जो जीके में, ये बाकी से आपका कंसर्न नहीं है, वो बीएससी के बच्चों के लिए है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, स्टूडेंट 70% एंटी टेस्ट है, यानी आपके जो वहां पे मेरिट बनेगा उसमें मेजर पोर्शन एंटी टेस्ट का है, 20% आपका एफएससी पार्ट वन है, और 10% जो है वो मैट्रिक है। इन चीजों को ध्यान में रखना है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सारी अगर गुफ्तगू अभी तक जो हमने की है एक बार बड़ी क्लियर है कि आपके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी वहां पे एडमिशन का सिलसिला आपकी 9 से शुरू हो जाता है, मैट्रिक्स मार्क्स इंक्लूड हो रहे हैं, एफएससी के मार्क्स, और उसमें खासतौर पर वो फर्स्ट ईयर को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, और सबसे बड़ा जो वेटेज जा रहा है वो आपके एंट्री टेस्ट का है, और आज का सेमिनार इसी चीज को ही ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। प्यास है, प्यास जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर का है, और प्यास में स्टूडेंट एडमिशन टेस्ट जो है एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम मैट्रिक में 60%, एफएससी में 60%, सिलेक्शन क्राइटेरिया मैट्रिक 15%, एफएससी 25%, अगेन द एंटी टेस्ट हैज द वेटेज 60%, तो एंटी टेस्ट का वेटेज यहां सबसे ज्यादा है। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और हम नई डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं, पेपर फॉर्मेट पे आइएगा। पेपर फॉर्मेट प्यास का, ये जितनी भी मैं यहां पे चीजें डिस्कस कर रहा हूं ना, ये आपको स्कोर इनके प्लेटफॉर्म से ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल, ये जो हमारा ये सेमिनार कंडक्ट हो रहा है ना, ये हम एमटीबी इसके सोर्सेज के जरिए भी वीडियो फॉर्म में आपकी ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और उसके बाद जो वाक अकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर भी ये सारे का सारा सेमिनार जो है ये अवेलेबल होगा, ये चीजें वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां जो स्कोर इनके एक्सपर्ट बैठे होंगे, आप किसी वक्त भी आके उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, वो आपको हर एक यूनिवर्सिटी का मुकम्मल डाटा, फी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं इसको मजीद डेप्थ के साथ वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी और एंटी टेस्ट की बात करें, अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तेजी से बातें करूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, पेट्रोलियम है, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, बायोकेमिकल, एनवायरमेंटल एंड मैनी मोर। तो उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये मैं ज्यादा फोकस करवाना चाहता हूं। पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आपको मौका मिले तो आपने कंप्यूटर साइंस में, डाटा साइंस में, आईटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये चार वो कैटेगरीज हैं जिसमें आईसीएस का बच्चा, प्री इंजीनियरिंग का बच्चा वो यहां पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, और ये बहुत काम है। मौजूदा इस दफा इसका मेरिट बहुत ऊपर चला गया, और ये जो कंप्यूटर और आईटी का जो मेरिट था वो दीगर फील्ड से, दीगर जो डिपार्टमेंट से फैकल्टीज थी उनसे सबसे हाई था, 92-93% था, और ये बहुत हाई इसका पर। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी, ये छोटी सी बात मैंने आपसे करनी थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ये जो मैंने ग्रीन किया ना, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी, मेटलर्जी, मटेरियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इन सब में जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर ई कैट कंडक्टेड बाय यूईटी। जो यूईटी ने ई कैट कंडक्ट किया उसके मार्क्स की बेस पे इन फैकल्टीज में आपका एडमिशन होता है। इसका मतलब है यूईटी का जो ई कैट है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हाईली इफेक्टिव है। अब आए असल काम की तरफ, ये सारी मैंने इंफॉर्मेशन दी, अब हाउ टू स्टडी, आपने एंटी टेस्ट को कैसे पढ़ना है, अब मेरी बातों को जरा गौर से सुनना। मैंने एक बात पहले आपसे कर दी कि एक होता है याद करवाना, एक होता है पढ़ाना, और एक होता है सिखाना। तो एंटी टेस्ट में हम पढ़ाते नहीं है, याद नहीं करवाते, बल्कि हम चीजें सिखाते हैं। मैं आपको ना, मैं आपको पहले एफएससी और एंटी टेस्ट का फर्क बताता हूं, क्या दोनों में डिफरेंस है। पहला तो डिफरेंस आप ये देखें कि जब आप एफएससी के एग्जाम देते हैं तो आपके पास आज केमिस्ट्री का पेपर है, दो दिन के बाद आपका फिजिक्स का है, एक दो दिन छोड़ के फिर आपका मैथ का है, एंड सो ऑन। हर पेपर में एक दो दिन का गैप आता है प्रेपरेशन के लिए। दूसरा, आपके पास अगर केमिस्ट्री का पेपर है ना, तो यू हैव जस्ट प्रिपेयर 16 चैप्टर्स,
इस तरह फिजिक्स की एक बुक, उसको भी आपने प्रिपेयर करना है, मैथ की एक बुक, जितने भी उसके चैप्टर 7 हैं उसको आपने प्रिपेयर करना है। ये तो हो गया। दूसरा पेपर पैटर्न, ये मैं आपको ना पहले सिलेबस की बात कर रहा हूं, मैं एफएससी और एनटी टेस्ट का डिफरेंस बता रहा हूं, सिलेबस की बात होगी, पेपर पैटर्न पे आ जाओ। आपका जो एफएससी का पेपर होता है ना, उसमें 70% क्रैमिंग है, रट्टा है, 30% आपके कॉन्सेप्ट हैं। ये मैं पेपर स्ट्रक्चर क्या आपको पता है, एमसीक्यूज है, और एमसीक्यू के बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है। मेन फोकस क्रैमिंग पे है, रट्टे पे है, और फिर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन पे है। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर कर रही होती है, ये वो सारी की चीज। अगर मैं अब मैं मुश्किल बात करने जा रहा हूं, तवज्जा से सुननी मेरी बात, तवज्जा से मेरी बात को सुननी है। स्टूडेंट, पूरी दुनिया में जो एजुकेशन दी जाती है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी की बेस पे, ब्लूम BLOOM, ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसकी बेस पे पूरी दुनिया में ना एजुकेशन, तालीम दी जाती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी की 3 डोमेन्स हैं। मैंने कहा ना 500 रुपया मैंने पे दूंगा, अब जरा याद भी रखनी बातें, 500 दे दूंगा। अच्छा आप जवाब तो दो, और भी आपको इनाम दे देंगे अब। अच्छा सुने बात, ब्लूम टैक्सोनॉमी, दैट इज एजुकेशन पैटर्न। ब्लूम टैक्सोनॉमी की 3 डोमेन्स हैं, डोमेन्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कॉग्निटिव, जेनी, दैट कंसर्न विद ब्रेन। द सेकंड वन इज अफेक्टिव, दैट कंसर्न विद हार्ट। द थर्ड वन इज साइकोमोटर, दैट कंसर्न विद मसल्स वर्किंग। तो पूरी दुनिया में जो एजुकेशन के 3 ये हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। अब ये जो फर्स्ट वन है जिसको मैं जेनी कह रहा हूं, दैट कंसर्न विद ब्रेन, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, COGNITIV, कॉग्निटिव। ये जो कॉग्निटिव है इसके आगे 6 लेवल्स हैं। सबसे लो लेवल, बॉटम लेवल, दैट इज नॉलेज। नॉलेज ये क्या चीज है, ये माइक है। ये क्या चीज है, ये वॉल है। ये क्या, ये लाइट है जो मैं बोल रहा हूं। ये कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये कौन सी फॉर्म है मैटर की, दैट इज एनर्जी। साउंड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये दैट इज द नॉलेज। ये बच्चों को हम कहते हैं ए से क्या बना, बी से क्या बना, दैट इज नॉलेज। द सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग। अगर ये साइकिल है ये किस काम आता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे पास मोबाइल है ये किस काम आता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। पूरे पाकिस्तान की 64 साल तारीख जो है उसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 2 लेवल्स पे बेस करता है, दैट इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अब इसके ऊपर 4 और भी लेवल्स हैं। नॉलेज के बाद अप्लाई आ जाता है। बोर्ड्स कह रहे हैं कि इस साल आपके जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इस साल जो आपका पेपर होगा उसका 25% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे होगा। तो अब ना हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है इसने 3rd लेवल को भी अपने साथ शामिल कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। इसके ऊपर भी 3 नॉलेज हैं, 3 लेवल्स हैं, एवेल्युएशन है, क्रिएशन है, अफेक्टिवनेस है, और भी 3 हैं। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में जो भी एजुकेशन सिस्टम है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, IB है, अमेरिकन सिस्टम है, इवन के इंडियन सिस्टम, वो इन 6 के 6 लेवल्स की बेस पे बच्चों को एजुकेशन देते। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, जिस वजह से हमारे जो बच्चों के जेन हैं वो अभी खुले नहीं हैं, इनका लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि ये बहुत मेहनती हैं, हमारा बच्चा इससे ज्यादा मेहनती कोई और नहीं है, लेकिन इनका जो पेपर पैटर्न है, इनका जो करिकुलम है, जो बुक्स हैं, वो उस लेवल की नहीं है कि वो कॉग्निटिव के 6 लेवल्स को मीट कर सके। आपका एफएससी का पैटर्न सिर्फ 3 लेवल्स को, वो भी इस साल 1 तीसरे को मीट करेगा। लेकिन जो एनटी टेस्ट का पेपर आएगा उसमें 6 के 6 लेवल्स को मीट किया जाएगा। अब दोनों में एक और भी फर्क है, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये सारे का सारा कहता है कि 40 मिनट के लेक्चर में 40 मिनट सिर्फ टीचर ही बोले, बच्चा एक कान से सुने, दिमाग पे असर वो बात करे ना करे दूसरे कान से निकाल दे, बच्चा सिर्फ आंखें फाड़ फाड़ के हमें देखता रहे, समझ आ रही है नहीं आ रही कोई बात नहीं।
लेकिन लेकिन इसके बरक्स जो बाकी मैंने एजुकेशन सिस्टम आपको बताया ना, उसमें टीचर सिर्फ 15-20 मिनट्स क्लास में बोलता है, बाकी जो टाइम है 20-25 मिनट वो बच्चा क्रिएटिविटी में लग जाता है, उसको असाइनमेंट दी जाती है, असेसमेंट की जाती है, इस तरह बच्चे के अपने अंदर सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती है। हमारा इंजीनियर 4 साल की ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद उसको यह नहीं पता होता कि प्लास से या पेचका से पेज खोला जाता है, उसको चीजों का कोई पता नहीं होता। जब वो फील्ड में आता है फिर उसको पता चलता है, हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल पे उसे किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम करके कोई ना कोई नई इनोवेशन या डिस्कवरी करनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा उसको काम करना चाहिए जो कौम की बेहतरी के में काम आ सके। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है, हमारी कौम बहुत बड़े साइंटिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही। वजह उसकी यही है कि हम वो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के तमाम डोमेन्स और उसकी जो फर्स्ट मेन के 6 लेवल्स हैं हम उनको मीट नहीं कर रहे। कहां पे आता है? सिर्फ एक जगह पे वो सारे के सारे आते हैं, और वो आपका जो एंटी टेस्ट का पेपर होता है उसमें। इसका मतलब वो आके एंटी टेस्ट का पेपर वैसा नहीं होता जैसा आपका एफएससी का है। वहां क्वेश्चन स्ट्रक्चर, क्वेश्चन स्ट्रेंथ, क्वेश्चन की टफनेस, इजीनेस, स्टाइल वैसा नहीं है जैसा आपका एफएससी का है। वहां चीज तो वही पूछी जाती है लेकिन थोड़ी सी उसको चेंज करके पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट बेस पे बात होती है। तो एफएससी बिल्कुल मुख्तलिफ है, एंटी टेस्ट जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल मुख्तलिफ। बेटा जी, एंटी टेस्ट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है, ऐसा एग्जाम जो इससे पहले ना आपने कभी दिया और ना आने वाले वक्त में आप कभी देंगे, ऐसा टेस्ट जिसमें आपने एट ए टाइम, छोटा सा आपका दिमाग, छोटा सा जेन जिसमें 86 बिलियन नर्व्स हैं, फिर भी छोटा सा दिमाग, उस दिमाग ने एंटी टेस्ट वाले दिन 2 केमिस्ट्री की बुक्स, 2 फिजिक्स की बुक्स, 2 मैथ की बुक्स, अनलिमिटेड इंग्लिश, सारा नॉलेज। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, जितनी केमिस्ट्री मुझे आती है मेरे से ज्यादा आपको आनी होगी उस वक्त, जितनी फिजिक्स मुबशर मंजूर साहब को आती है उससे ज्यादा आपको आनी चाहिए, और बिल्कुल बाकी सब्जेक्ट में भी तस्लीम साहब से ज्यादा आपको मैथ आनी चाहिए, शाह साहब से ज्यादा आपको कंप्यूटर आना चाहिए, और इंग्लिश में आप अमर कमाल साहब को बीट करें। अच्छा, ये ताली बजाने वाली बात है, असारजा से आगे निकलो, ये ताली बजाने वाली बात है। हाँ, मैं ये अजीम हस्तियां हैं, मैंने अपने आप को पहले शामिल किया, मैं एक रेफरेंस के तौर पर, मुशाबहत के तौर पर बात कर रहा हूं, तब जाके आप वहां पे कामयाब होते हैं। ये आप अकेले नहीं वहां पे टेस्ट देंगे, आप इर्द गिर्द देखिए, जा हजारों की तादाद में जब आप बाहर वहां पे पार्किंग से आएंगे तो आप देखेंगे हर तरफ चेहरे ही चेहरे, हर तरफ सारी सर नजर आएंगे, पेरेंट्स, माँ बाप, दादी दादा, नानी नाना, सारे अपने बच्चों को, और वहां पे माँ और बाप के हाथ में तस्बीह होगी, दाने पे दाना, दाने पे दाना, आयतल कुर्सी, ये वो, और अंदर आप काम कर रहे होंगे, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम, ठीक है। इसका मतलब है उसके लिए जितना बड़ा एग्जाम उतनी बड़ी प्रेपरेशन, ये मकसद है आज का। एफएससी टोटली मुख्तलिफ चीज है। मैं आपको एक और चीज बताता चलो, जरा जरा कंपेरिजन कीजिएगा। जब मैं अपनी प्री फर्स्ट ईयर की क्लास में आता हूं, जरा बड़ा बारीक में बात करने जा रहा हूं, जब मैं अपनी प्री फर्स्ट ईयर की क्लास को पढ़ाता हूं ना, वो बच्चे जो मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में आए हैं, प्री फर्स्ट ईयर की क्लास है, मैं उनको लेक्चर में ना 100 बातें बताऊं ना 100, वो बड़ी मुश्किल से मेरी 20 बातें पिक करते हैं, 80 मेरे अल्फाज को, मेरी बातों को जाया कर देते हैं। मैं वहां बड़ा ठहर ठहर के बोलता हूं, मेरी एनर्जी कम लगे, मेरे अल्फाज कम जाया हों। वही बच्चा प्री फर्स्ट ईयर के बाद जब रेगुलर सेशन में आता है, अब मैं उसको 100 बातें बोलूंगा ना, तो वो मेरी 40-50 बातें पिक करता है, 50 बातें मेरी फिर भी जाया कर देता है, मुझे वहां भी बड़ी एहतियात से बोलना पड़ता है। नेक्स्ट, जब वही बच्चा सेकेंड ईयर में आता है, उसका लर्निंग लेवल और बढ़ जाता है। अब ना मैं 100 बातें करूंगा ना, तो मेरी 60-70 बातें, 30 बातें फिर भी जाया कर देता। हम अगले दिन पूछते ना आपसे, दो तीन दिन बाद, पिछला एक टॉपिक बताओ जी, मार्कोनिकोफ रूल क्या था, बताओ जी चार्ल्स लॉ जो है वो क्या था, उसमें एब्सोल्यूट जीरो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, वगैरह वगैरह, तो आप भूल चुके होते हैं कई बातें। इसका मतलब है, लेकिन ज्यादातर बातें आपको याद होती है। एंटी टेस्ट का मसला और है, एंटी टेस्ट में अगर मैंने 100 बातें की हैं, आपको 100 की 100 बातें याद रखनी है, समझनी है, कोई मेरी बात आप जाया नहीं कर सकते। ये 20-20 मैच है जहां पे हर एक बाल पे आपको छक्का लगाना पड़ता है, हर एक बाल। एक और भी मैं आपको चीज बताता चलूं,
स्टूडेंट 22 साल टीचिंग के बाद ना, 22 साल टीचिंग के बाद मुझे अब पता चला है बतौर टीचर कि मैंने क्लास में कौन सी बात पढ़ानी है कौन सी नहीं पढ़ानी। भाई एक मैच्योर इंसान होने के बाद अब मुझे पता चला है कि महफल में बैठते हुए मैंने कौन सी गुफ्तगू करनी है कौन सी नहीं करनी। यही बात मैं आपसे भी कहूंगा, जब आप एफएससी की क्लास में बैठे तो टीचर को सुने और देखें कि टीचर किस बात को ज्यादा फोकस कर रहा है, किस पॉइंट के बेस पे वो अपनी सारी गुफ्तगू कर रहा है। यही बात आपने एफएससी एंटी टेस्ट के में भी नोट कर दी। एंटी टेस्ट एक फास्ट ट्रैक स्टडी है, आप कोई दिन कोई मिनट जाया नहीं कर सकते। ह्यूमन साइकी क्या है, 8 सेकंड के बाद आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, 8 सेकंड के बाद। आप मुझे मुसलसल 8 सेकंड सुन सकते हैं, मुसलसल 8 सेकंड आप मेरे पे नजर टिका सकते हैं, 8 सेकंड के बाद आप कुछ देर के लिए डाइवर्ट होंगे। जो जहीन स्टूडेंट है, जो मेहनती स्टूडेंट है ना, वो क्या करते हैं, वो 8 सेकंड के बाद अपनी अटेंशन दोबारा कंसंट्रेट करते हैं, वही रखते हैं, और वो एक लंबे अरसे तक अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं होने देते। ये चीजें आपको एंटी टेस्ट, ये सारी एंटी टेस्ट 3 चीजों का नाम है, मैं बता रहा हूं 3 चीजें। एंटी टेस्ट कॉन्सेप्ट है, एंटी टेस्ट क्रैमिंग है, एंटी टेस्ट कॉन्फिडेंस है, और लास्ट वन अगर मैं एक और सी शामिल कर लूं, एंटी टेस्ट जो है वो कंसिस्टेंसी का नाम है। एफएससी में 70% क्रैमिंग रट्टा, 30% कॉन्सेप्ट, एंटी टेस्ट में 100% कॉन्सेप्ट, 100% क्रैमिंग रट्टा, कोई स्पेस ही कोई नहीं। सबसे बड़ा इम्तिहान जो होता है ना, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे, कॉन्फिडेंस का एग्जाम होता है। ये जो आपको एफएससी में जो आपकी स्कूलिंग है, जो आपकी कॉलेज है, कॉलेज स्टडी है, जो आपको पढ़ाने वाले लोग हैं, एक लंबा अरसा और फिर एंटी टेस्ट के 3-4 महीने, ये सारे के सारे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। जो एंटी टेस्ट के दिनों में आप पेपर लेते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते हैं, टीचर आपसे डिस्कस करता है, आपको शॉर्टकट देता है, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। वहां अक्सर बच्चे कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से, गर्ल्स में अक्सर मसला है, ब्लड प्रेशर लो हो गया, रोना शुरू कर दिया, यही हाल आप में भी है, वहां पे हाथ कांपते हैं यूं, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये और इन सब का सलूशन क्या है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, मैं ना जब टीचर्स के मैं प्रेजेंटेशन लेता हूं ना, तो मैं टीचर्स को कहता हूं, जनाबे अली जब प्रेजेंटेशन के दौरान मैं सिर्फ टीचर में एक चीज चेक करता हूं, और वो क्या है, उसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस कहां से नजर आता है, उसके बोलने से, लाउडनेस से, पिच से। मुझे कॉन्फिडेंस कहां से नजर आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से। मुझे कॉन्फिडेंस कहां से नजर आता है, जब वो लिखता है, क्या वो सही लिख रहा है, हाथों नहीं, बड़ा लिख रहा है, छोटा लिख रहा है, सीधा लिख रहा है, क्या वो उसी अंदाज में लिख रहा है जिस तरह एक कॉम्पिटेंट टीचर को लिखना चाहिए। अब इस कॉन्फिडेंस के पीछे सिर्फ 2 चीजें होती हैं, सिर्फ 2 चीजें, वो क्या, उस टीचर ने उस टॉपिक का मुतालिया कितना किया है, क्या उसने डिफरेंट बुक से उस टॉपिक को पढ़ा है, और दूसरी चीज जो कॉन्फिडेंस को बेतहाशा ऊपर ले जाती है वो है एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप में कॉन्फिडेंस, और आपका एक्सपीरियंस क्या चीज है, जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे, ये एक्सपीरियंस बिल्ड करता है, और ये 2 चीजें फिर कॉन्फिडेंस का बायस बनती हैं, और कॉन्फिडेंस के बेस पे ही आपका वहां पे टेस्ट हो रहा होता है। ये चीजें सारी की सारी आखिर में जरा देखिएगा, हाउ टू स्टडी, 3 चीजें, स्टडी मटीरियल, स्कोर इन लाहौर, वहां से हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम जो कई सालों से एंटी टेस्ट पे काम कर रही है, हम आपको बुक्स प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटीरियल हम आपको पेपर्स प्रोवाइड वहां पे से करते हैं, और यहां जो टीचर्स आपके पढ़ाने वाले हैं, हम इनके साथ कनेक्शन में होते हैं, रابطे में होते हैं, हम इनके साथ, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम अपने लेक्चर इनके साथ शेयर कर रहे हैं, ये हमें अपने लेक्चर शेयर करते, कोई नई चीज आए हम इनके साथ शेयर कर रहे होते हैं, टीचिंग टेक्निक्स के बारे में हम बातें करते हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि लर्निंग। तो स्टडी मटीरियल स्कोर इन लाहौर प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट बुक्स हम आपको देंगे, लेक्चर्स वो साफर है आपका टीचर, और टेस्ट, तो स्टडी मटेरियल में टेक्स्ट बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, और टेस्ट है, जरा इसमें आइएगा, लाइन टू लाइन रीडिंग। अब मैं आपको बताता हूं, अब आप पे मेन आखिरी बातों पे हम आ गए, जब आपने एंटी टेस्ट की प्रेपरेशन करनी है तो घर से आपने टेक्स्ट बुक को एक एक लाइन पढ़ के आना है। फर्ज किया आज केमिस्ट्री का कंबस्टन एनालिसिस है, साथ एम्पिरिकल मोलेकुलर फार्मूला है,
तो घर से आपने इन चीजों को अंडरलाइन करके आना, पढ़ के आना क्या क्या लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में। साथ ही साथ इट विल बिल्ड योर कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन डायग्रामेटिक नॉलेज एंड सब्जेक्ट ग्रिप, ट्राई टू क्रिएट क्वेश्चंस एंड आंसर योरसेल्फ। ये तो एक आला पाए का जो स्टूडेंट है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर एट क्लास, जब आप एंटी टेस्ट स्कोर इन में पढ़ रहे होंगे तो आपके एक्सपर्ट टीचर जो हैं वो लेक्चर को दौरान आपको कई नए पॉइंट्स बताएंगे, आपको शॉर्टकट बताएंगे और समंदर को कूजे में कैसे बंद करना है वो टीचर आपको समझाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि जिस स्टूडेंट के जो लेक्चर नोट्स जितने स्ट्रांग होते हैं ना उतना वो ज्यादा कामयाब होता है। स्टूडेंट आपने करना क्या होता है, एफएससी की बुक से, एंटी टेस्ट के लेक्चर से, फिर टेस्ट डिस्कशन से, सब चीजों को अपने रजिस्टर के ऊपर राइट डाउन करना होता है। राइट डाउन करने के बाद वो आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनते जाएंगे। जो लास्ट डे होंगे ना बिफोर एंट्रेंस टेस्ट, आखिरी जो दो तीन हफ्ते होंगे, अब आपने अपने उन्हीं तमाम नोट्स से को रिवाइज करना होता है। बड़ा ना मुश्किल होता है एंट्रेंस में, चीजों को याद रखना मुश्किल है लेकिन उन चीजों को देर तक याद रखना, याद करना मुश्किल है और देर तक याद रखना मुश्किल होता है। वो जो आपके नोट्स है वो देर तक याद रखने में आपको हेल्प करेंगे। ये मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, इनको जेनों में जगह देना। टेस्ट असल तो चीज है टेस्ट, टेक टेस्ट रेगुलरली, अटेम्प्ट थिंकिंग इट एंड टेस्ट पेपर। हार्ड टेस्ट को ऐसे समझे जैसे वो ईकैट का पेपर है, और ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव योर स्कोर। शुरू शुरू में आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अपने स्कोर को इंप्रूव करते जाए। स्टूडेंट जरा, मैं ना तीन डोमेन्स में काम करता हूं, चार डोमेन है बतौर टीचर, ये तो मेरा मैंने कहा पैशन है। साथ ही साथ ना हमारा पब्लिशिंग हाउस है वाक पब्लिशर, ये हमारी एंटी टेस्ट की बुक्स हैं जो स्कोर इनके नाम से हम आपको देंगे। साथ ही साथ ये स्टडी मटेरियल, ये एफएससी की बुक्स आप देख सकते हैं, ये भी हमारा वाक पब्लिशर जो है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं, प्रैक्टिकल नोट बुक्स भी हमारे पास, और ये एक नया हमने रीड एंड पास एक बुक इंट्रोड्यूस करवाई है फिजिक्स की, इस तरह ये केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और बायो वगैरह की। ये जो रीड एंड पास बुक्स है ये एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट करती हैं कि आपके केमिस्ट्री के 85 में से 55, 60, 65 नंबर, यानी मिनिमम आउटपुट मैक्सिमम मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट के लिए, कम मेहनत ज्यादा स्कोर, उसके लिए ये हमने कुछ बुक्स डिजाइन की हैं। एक चीज विनर ऑफ द गेम, ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये एंटी टेस्ट के जो टॉपर हैं प्री एमडी कैट में या ई कैट में, उन स्टूडेंट के साथ एक लंबी डिस्कशन के बाद उनका स्केड्यूल, उनका पेपर पैटर्न, उन कैसे कैसे चीजों को वो तैयार करते, उनकी बुक्स को लेकर देखा क्या वो करते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड, यानी जो लोग कामयाब हुए हैं उन्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत, उनके अंदर ही पता नहीं कौन सा ऐसा खमीर होता है, ऐसा मादा होता है जो उनको मेहनत में मजबूर करता है। एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट, एक्सीलेंट एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच ये आप लोगों के ई कैट में बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों का एनालिसिस करना। मैं एक सेंटेंस आपको देता जाता हूं, एंटी टेस्ट इज द अदर नेम ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, चीजों को कंपेयर करके याद करो, एनालिटिकल अप्रोच अपनी बेसिक मैथ बेहतर करो, फुली कमिटेड मैन ऑफ प्रिंसिपल, पावर टू टेक राइट डिसीजन, ये कुछ बातें हैं जो कामयाब लोगों में हमने देखी। वाई स्कोरिंग एंटी टेस्ट, हम स्कोर इनसे क्यों करें, क्या वजह है, मैं एक फर्क आपको बताता चलूं। एंटी टेस्ट जो है ना ये दो तरह का होता है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो दो तरह के एंटी टेस्ट करवाते हैं। एक होता है टीचिंग बेस एंटी टेस्ट, उसमें ज्यादातर आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, प्रैक्टिस मटीरियल टेस्ट कम लिए, दैट इज कॉल्ड टीचिंग बेस। एक होता है टेस्ट बेस एंटी टेस्ट, उसमें टीचिंग के लेक्चर्स कम होते हैं, टेस्ट दे के वो आपकी प्रेपरेशन करवाते हैं। ये दो तरह के, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं ना, जो बड़े बड़े नाम आप पढ़ते हैं, तो उसमें एक नाम जो है वो टीचिंग बेस्ड एंटी टेस्ट करवाता है, एक और जो नाम मशहूर है एंटी टेस्ट का वो टेस्ट बेस्ड एंटी टेस्ट करवाता है। स्कोर इन दोनों का कंबिनेशन है। हमने टीचर्स को कहा हुआ है कि आप जितने मर्जी आप लेक्चर ले लें, जितना मर्जी आप बच्चे को टाइम ले, बच्चे को हर लिहाज से मुतमइन करें। और दूसरा, हमने हर एक यूनिट के, हर एक चैप्टर के दो दो टेस्ट बनाए हुए हैं, बाद में अगर लेंथ बढ़ी है तो तीन तीन टेस्ट भी हैं, तो हमने दोनों को कंबाइन किया है।
हमारा जो स्टाइल है वो बाकी सबसे ज्यादा, यही हमने 22-23 साल जो एंटी टेस्ट उसमें सीखा भी है कि बच्चों को दोनों चीजों को टीचिंग भी भरपूर हो और टेस्ट भी उनसे भरपूर लिए जाएं, किसी किस्म की कोई कमी, और वही स्कोर इनमें होगा। स्कोर इनमें वी प्रोवाइड यू स्कोरिंग मेथोडोलॉजी हमारी, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल यू कैन अप्लाई टू एनी टेस्ट क्वेश्चन, हाउ टू अवॉइड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन रीडिंग एंटी टेस्ट आइटम्स, ये सारी बातें जब साफ जरा आप टीचर पढ़ा रहे होंगे साथ साथ आपको गाइड करेंगे। स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉर द वीक्स प्रायर टू द टेस्ट, क्या क्या करना है टेस्ट से पहले, और टेस्ट टेकिंग रूल्स फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जब आपको लेक्चर दिए जाएंगे। स्ट्रेटजीज फॉर मिनिमाइजिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड इंक्रीज द, आखिरी वाले दिनों में ना बच्चा क्या कहता है, वो कहता है सर हमें तो सब कुछ भूल गया, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो कहता है मुझे तो कुछ याद ही कोई नहीं, फिर हम ना, और इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर स्टडी टाइम। मार्वलस अचीवमेंट ऑफ स्कोर इन, ये हमारा ना सादकाबाद में ये जो ईयर था लास्ट, ये स्कोर इन का पहला साल था, जो मैंने ऊपर आपसे बातें की ना कि हम बच्चे के बेहतरी के लिए हर वो काम करते हैं, उसका सबूत बातें नहीं है, उसका सबूत हमारा एमडी कैट का रिजल्ट है। अभी वो लोग आएंगे भी जिन्होंने ये अपने लिए भी और हमारे लिए नेकनामी का बायस बने। सादकाबाद की तारीख में जो इस साल हमारा 183 है दानियाल के, और ये सादकाबाद एमडी कैट में सबसे ज्यादा नंबर है। मैं फिर बात कर रहा हूं, बातें जितनी मर्जी करते रहे, मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं ना, मैं एक उस्ताद बोल रहा है, वो बंदा जो 22 साल से एंटी टेस्ट को पढ़ा रहा है, जिसने बुक्स लिखी हैं, जिसके YouTube पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाले लेक्चर हैं, पाकिस्तान में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जिसका चैनल है, और जिसका मकसद ही बच्चे की बेहतरी है, वो बंदा आपसे मुखातब है। और मैंने कहा कि टीचिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है, मुझे शौक है, मुझे अल्लाह ताला ने सिर्फ एक काम के लिए भेजा, वो लोगों को पढ़ाना है, और मुझे कोई अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी नहीं दी, और मैं कब्र में भी इसी वजह से सेफ हो जाऊंगा कि या अल्लाह जो काम मुझे दिया मैंने ईमानदारी के साथ, अब जितनी तूने मुझे सलाहियतें दी उसके साथ मैंने बच्चों को बताया। यही बात अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्कोर इनकी टीम भी यही करती है, मैं उनको सर रबते में रहता हूं एक एक चीज, और उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने, एक साल में हमने बेहतरीन रिजल्ट आपको दिया। ये बात नहीं हम कर रहे, ये हम, मैंने आपसे कोई रावलपिंडी स्कोर इनका, फैसलाबाद स्कोर इनका, पत्तों की स्कोर इन, लाहौर इन स्कोर इन, उसका रिजल्ट शेयर नहीं कर रहा, आपके अपने का, वही बच्चे भी आएंगे भी, तो इस चीज को आप देख लें। आखिर में मैंने एक बात की थी ना, मैंने ना जेब में मेरे 2000 रुपया, सुनो तो सही, अब मैं ना यहां पे इसको रख रहा हूं, और चार मैंने क्वेश्चन पूछने, चार क्वेश्चन, और मेरी बात सुनो, मेरे पास मैट्रिक से लेकर, बल्कि 8th ग्रेड के भी, तो 8th ग्रेड से लेकर एमफिल तक कोई 20-25 डिग्रीज हैं, डिग्रीज 20-25, और मेरे पास एक छोटा सा ना हाथ से लिखा हुआ एक तहरीर भी है, वो जो हाथ से लिखी हुई तहरीर ना, वो मेरे जो FSC के इंग्लिश के टीचर रऊफ अहमद साहब थे ना, उन्होंने मेरे बारे में लिखी थी कि वाजिद अली मेरी क्लास का एक होनहार, मेहनती और रेगुलर तालिबे इल्म है, ये लिखा हुआ है। बाय गॉड अगर आप मेरी वो 18-20 डिग्री तराजू के एक पलड़े में रखें, और मेरे उस्ताद की वो जो तहरीर है वो तराजू के दूसरे पलड़े में रखें, तो मेरे उस्ताद की वो तहरीर उन तमाम डिग्री से कहीं भारी है। आप ना ये नहीं कि हमें 1000 रुपया, अगर मैंने आपको 10,000 दे दिया तो फिर आप क्या कर लेंगे, मतलब तो ये ना 500 रुपया समझो कि हमें एक सेमिनार में सर ने दिया था, ठीक है ना, और सर भी कौन देंगे जो टीचर ऑफ टीचर्स हैं, जो हमारे भी उस्ताद हैं, मैं अहमद मकसूद साहब से कहूँगा सर आइएगा जरा, मेरे बहुत प्यारे दोस्त आने, और हमारे मेंटोर वाइस प्रिंसिपल हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, क्लैपिंग यार, इतनी अजीम हस्ती,
सर जी, बात इनसे ये हुई थी कि ये सेमिनार नहीं है, दिस इज़ अ लेक्चर, और एट द एंड मैं आपसे ना सेमिनार से मैं बताई गई बातों के रेलिवेंट क्वेश्चन पूछूंगा, तो जो आंसर देगा उसको 500 रुपया दिया जाएगा। अच्छा जी, काइंडली माइक देंगे, माइक है इधर सर। सवाल पूरा। अच्छा जी, जो हाथ पे ये सर जो है ना, मकसूद साहब देखेंगे जो हाथ पहला खड़े, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आने वाले 15 सालों में वो 5 कौन सी फील्ड हैं जिसमें मैक्सिमम जॉब्स दुनिया में ऑफर होंगी। सर जी वेरी लास्ट, वेरी लास्ट, वेरी लास्ट गर्ल्स, वेरी लास्ट। सर ये जी सुनिएगा बेटा जी, आप आंसर करें पहले। अस्सलाम वालेकुम। पहली AI, दूसरा डाटा साइंस, तीसरा साइबर सिक्योरिटी, चौथा इंजीनियरिंग और पांचवा प्री मेडिकल। ठीक है ठीक है, बात सुने, बात सुने, इतने शोखे ना बना करो, बस ठीक है। इतना काम चलने दिया करो। पहले था बेटा जी, बिल्कुल आपका ठीक आंसर है। बेटा जी आप तशरीफ़ लाएं, आप तशरीफ़ लाएं, और सर से ना अपना अरे बेटा द सेकंड वन इज दूसरा क्वेश्चन। मैंने कहा कि एंटी टेस्ट जो है ये 3 चीज़ों का नाम है, उसमें बाद में मैंने एक और चीज़ भी ऐड कर दी थी, और मैंने कहा कि इट इज़ एक्चुअली अ कम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड दैट स्टार्ट फ्रॉम सी, और बार में मैंने वो क्या हैं। तो जी जी बेटा जी, बहुत 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 बेटी आपको मुबारक, ज़बरदस्त। सर जी इधर जरखेज ज़मीन कोई नहीं लगती। और कोई हाथ वैसे ही बंदा खड़ा कर देता है, नालायक कौम ऐसे ही हाथ खड़ा कर दे, मैं पीछे से पूछ लूँगा बंदा। फिर गर्ल्स एक ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, वो वेरी लास्ट, नहीं वो पहले उधर से हाथ खड़ा हुआ है। बेटा जी क्वेश्चन मेरा ये है कि एंटी टेस्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 C's, द वर्ड दैट स्टार्ट फ्रॉम सी, दैट इज द एक्चुअल एसेट ऑफ एसेंस ऑफ एंटी टेस्ट, व्हाट शुड बी? कॉन्सेप्ट, क्रेमिक्स, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त। अच्छा अब ओ बॉयज, ओ हमारा जेंडर, तुम लोग पीछे ही रहना खुदा की कसम, ठीक है ना? कोई आप तीसरा मेरा क्वेश्चन, बेटा जी तालियां तालियां होनी चाहिए। बॉयज बॉयज, मैंने ना लर्निंग पैटर्न पूरी दुनिया में जो एजुकेशन पैटर्न है वो एक नाम बोला था, उस पे दिया जाता है, मैं उसकी ना डोमेन में नहीं जाता, वो आपको आनी कोई नहीं। तो वो एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके नेम पे जी, ब्लूम टैक्सोनॉमी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त। आखिरी बात, अब ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का ताल्लुक जो है ना वो लेक्चर से नहीं है, आपके जनरल नॉलेज से, इट्स ओके। मैं ना कुछ फ्रूट्स के नाम बोलता हूँ, कुछ फ्रूट्स के नाम, आपने मुझे बताना कि इन फ्रूट्स में से, या वेजिटेबल या फ्रूट्स, इनमें से विटामिन सी किस में ज़्यादा पाया जाता है। कोई बात नहीं, फ्रूट तो आप लोग भी खाते हैं। सुनो ना, ऑप्शन सुनो, पहला है अमरूद, दूसरा है आम, तीसरा है माल्टा, चौथा है सेब।
तुम। अच्छा अच्छा चलें चलें हम डिसाइड। अच्छा मैं रिवर्स पे आता हूँ, मैं रिवर्स पे आता हूँ। जिनका ख्याल है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा माल्टा में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा पहले सबने हाथ खड़े किया, चलो ठीक है। जिनका ख्याल है सबसे ज्यादा सेम में है, ये आंसर है। जिनका ख्याल है, अच्छा अगर किसी को जवाब ना ना आया तो, जिनका ख्याल है सबसे ज्यादा अमरूद में है, और जिनका ख्याल है सबसे ज्यादा आम में है। अच्छा बाकी का ख्याल ही कोई नहीं, ये मैं रखूंगा अपनी पॉकेट ही। द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज, वो माल्टा तो ना सी सी, वो नहीं ऐसी बात, अमरूद में सबसे ज्यादा। सर जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।